प्रदेश में अब 7 सीट पर आ गए और बीजेपी 8 सीट पर, ऊपर आंकड़ा तेजी से घूमना शुरू हो रहा है। बीएसपी के भी खाता खुल चुका है और 2 सीट पर इस वक्त बीएसपी आगे है। तो उत्तर प्रदेश के अगर रुझान बताए जाएं तो बीजेपी 8, समाजवादी पार्टी 7, बीएसपी 2 पर आगे चल रही है। और उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो इस वक्त पहले पंजाब देखते हैं, कांग्रेस 1 सीट पर आगे, आम आदमी पार्टी का खाता अभी खुला नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी 2 सीट पर आगे, ये रुझान आ रहे हैं। गोवा से अभी कोई भी अपडेट हमें आया नहीं है। गोवा में भी 3 सीटें, बीजेपी की 3 सीटें गोवा में भी आ गए हैं। तो बीजेपी का खाता खुल चुका है इस वक्त। और अगर आप देखें, बीजेपी 6 सीट पर आगे है उत्तर प्रदेश में, 3 सीट पर समाजवादी, 2 सीट पर बीएसपी, ये और यूपी में बीजेपी की 8 सीटें आ रही है इस वक्त रुझान जो दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की 3, बीएसपी की अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन 2 सीटें पर बीएसपी एक, भी है। एक रिक्वेस्ट मैं टीम से करूंगा कि आप जल्दी से ऊपर के आंकड़े भी चेंज करते जाइए, क्योंकि दर्शकों की पहली नजर जो है वो ऊपर जाती है। तो नीचे हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 7 सीट पर आगे है और ये आंकड़े जल्दी से बढ़ने शुरू, 8 और 5 बीएसपी के 2 अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। और ये पोस्टल बैलेट के इस वक्त रुझान आ रहे हैं। अभी ईवीएम की प्रक्रिया, क्योंकि उसमें लंबी प्रक्रिया होती है सुशांत जी, हर पार्टी के कैंडिडेट साइन करते हैं और सील खुलती है। और देखिए 8-8 हो गया, बीजेपी गठबंधन 8 और समाजवादी पार्टी गठबंधन 8 उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये बैलेट पेपर्स जो हैं वो खुल रहे हैं। तो उसमें अमूमन कहा जाता है बीजेपी शुरुआत में बढ़त बना लेती है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों 7 चल रहे हैं, 8 सीट पर बीजेपी आगे, 8 सीट पर समाजवादी पार्टी, और बीएसपी जो है वो 2 सीट पर आगे चल रही है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं हर्षवर्धन जी, शुरुआत में तो कांटे की टक्कर दिख रही है। नहीं, कांटे की टक्कर है, लेकिन ये अभी बैलेट पेपर्स हैं। और एक चीज जो समझना चाहिए कि बीजेपी इसमें लीड नहीं लेती है, क्योंकि ये शिक्षा मित्रों का भी वोट है, ये जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं लोग हैं उनका भी वोट है, कुछ ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम वाला भी वोट है। तो इसलिए अभी इसको इस तरह से नहीं देखे, लेकिन निश्चित तौर पर आपको उत्तराखंड में बीजेपी 5 सीट पर आगे निकली है इस वक्त, और उत्तर प्रदेश में 15 पर आगे हो गई है, 15 पर बीजेपी 15-2 कांग्रेस की 1, समाजवादी पार्टी की 8। स्मिता बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, स्मिता प्रकाश जी एडिटर है एएनआई की। नहीं, पर सही बात है कि पोस्टल बैलेट जो है ये बदल जाते हैं, इनके नतीजे बदल जाते हैं, लेकिन आई डिसएग्री कि इसमें बीजेपी को फायदा नहीं होता। बीजेपी के लिए जो आर्म्ड सर्विसेज हैं उनके उनके वोट जाते हैं। माफी के साथ रोक रहा हूं, पंजाब में देखिए बीजेपी गठबंधन 3 और कांग्रेस 5, अकाली दल 1 और आम आदमी पार्टी का अभी कोई खाता नहीं खुला है। 9 रुझान है, 5 पर कांग्रेस आगे, बीजेपी गठबंधन जिसको लोग खारिज कर रहे थे वो 3 पर आगे चल रही है।